मेरे पिताजी ने वार्ड से बाहर निकाल दिया। जब मेरी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही थी, मैंने अपने साथ के लोगों का, जब लोग यहाँ पे आए तो उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए बोला गया। आपके पास आयुष्मान कार्ड आपके पास? मेरे पास आयुष्मान कार्ड है मेरे पापा का। उसके बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा? उसके बाद भी इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मरीज है प्यारे लाल, उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई, उसको बाहर से दवाई नहीं मिल पाई थी। उस मामले को लेकर के कुछ आम जनता के लोग आने के बाद आम जनता के लोगों ने शिकायत करी थी, तो स्टाफ के नर्सों द्वारा उनको, पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, उनको अरेस्ट करवाया गया, उनके साथ मिसबिहेव करा गया। इसकी जानकारी मिलने पर हम लोग आए और व्यापार मंडल के लोगों ने आने के बाद यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करा दी है। स्टाफ के जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उस मामले में डॉक्टर ने और CMO ने उनकी जिम्मेदारी ली है और दोबारा इस बात का आश्वासन दिया है CMO ने कि दोबारा जनता के साथ किसी प्रकार की अभद्रता और बदतमीजी किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं की जाएगी। तो अब आके ये पता लगा है कि ये आयुष्मान भारत का कार्ड इन पर था, जो इन्होंने शुरू से बताया नहीं, जो मरीज के परिजन थे इनको बताना चाहिए था इमरजेंसी में वो थे, तो ये कोई भी इंजेक्शन दवाई सारी यहीं से लगती जाए। तो इसी को बात बढ़ते 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 कल आपस में ये बात बढ़ गई स्टाफ में, इसमें और वो स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहे हैं और स्टाफ उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।